हुजूर, मैं आप ही को कॉल कर रहा था, आपका नंबर नहीं लग रहा हुजूर। न्यू प्रिंस फिरदौस महल में, और फिरदौस महल हिंदुस्तानी पुलिस के घेरे में है। अब सारा खेल खत्म। नहीं हुजूर, लेकिन अब भी एक रास्ता है। हमारा एक साथी ना फिरदौस महल में है, और मुझे पूरा यकीन है उसके हाथ ब्लूप्रिंट लग चुके हैं। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए हुजूर। कल तो आप बहुत भाई भाई कर रही थी, भाई के लिए ये कर दूंगी, भाई के लिए वो कर दूंगी, अब क्या हुआ? उबे बस एक बार अबू से बात करा दीजिए, मैं आपके सब बात मानूंगी। अगर पुलिस ने अबू को पकड़ लिया तो अबू ये आने वाले थे, फिर वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। मुझे अबू से बात करा दीजिए, प्लीज उबे अबू से बात करा दीजिए। ठीक है, हम फोन लगाते हैं। आप घर में कैसे घुसे आ सकते हैं? वारंट है हमारे पास, यहाँ देखेंगे या जेल में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जिस आतंकवादी को घर में पाल के रखा है उसको सरेंडर करने के लिए बोलिए, वरना पूरा का पूरा घर उधेड़ दूंगा मैं। बॉयज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रेहान बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, स्टूडेंट है वो। स्टूडेंट? किस सब्जेक्ट का स्टूडेंट है ये तो हम पता करके रहेंगे। कहां छुपा के रखा उसे? भाग तो नहीं गया? रेहान ठाकुर, कोई शोर नहीं मचाएगा, सब लाइन से खड़े हो जाओ। चलो ढूंढो, तलाशी लो यहाँ की। सर ये देखिए, आर्म्स मिले। फिरदौस महल के अंदर क्या चल रहा है हमें इसका पता नहीं चल पा रहा है। हसन फोन उठाओ बेटा। हसन अल्लाह मियां, जरा उठ रहा है मेरे पेट में। फिरदौस महल के अंदर क्या चल रहा होगा? नहीं जैन नहीं, फिर तुम्हारे साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। आतंकवादी को पनाह देना आतंक फैलाने के बराबर होता है, पर आपने जुल्म किया है, ऊपर से आपने उसे भगा भी दिया। भगा दिया? अरे हम क्यों उसे भगाएंगे, घर में ही होगा वो। कमरे में कोई नहीं मिली, छत पे जाके देखो। ओके सर।
अरे ये तो रेहान ठाकुर है। सर आप लोग मेरी बात का यकीन कर क्यों नहीं रहे हैं? रेहान टेररिस्ट नहीं है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। कैसे समझाओ आप लोगों को? सर रेहान ठाकुर बाहर भाग रहा है। पकड़ो उसे, वहां तक बात है। हरी आप जल्दी, क्या कर रहे हैं आप? जल्दी सर, आपको गलत फहमी हुई है, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट नहीं है वो, वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट? कौन टेररिस्ट? देखिए अगर कोई बात होती तो अबू आपको बता देते ना, आपसे छुपाते क्यों? क्यों झूठ बोलते? वो छुपा नहीं रहे हैं, तो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बताइए ना बूबी, प्लीज मुझे अबू से बात करनी। हम एक काम करते हैं, हम गुड बॉय को फोन लगाते, उनसे पूछते घर में खैरियत है कि नहीं। कोई अलग नहीं कर सकता रेहान, कोई नहीं। बस इतनी ही कहानी थी मेरी जो आज खत्म हुई। जिस लड़की के साथ जिंदगी जीने का ख्वाब सजाया था, आज उसी की बाहों में दम तोड़ रहा हूं। मुझे माफ कर देना माहिरा, तुम्हें इस तरह छोड़कर जा रहा हूं।
भाग।